साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, यह घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2022 प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका अप्रैल 2022 से लेकर 20 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। यह आपके आगामी पेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद है कि करंट अफेयर इससे बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला है आस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो इसका नाम है छेलो सो। इसके निर्देशक हैं पैन नलिन। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया या छोड़ा? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? INS सतपुड़ा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीतों के बारे में कहाँ से लाए गए हैं, तो किस देश से? तो नामीबिया, चूँकि कन्फ्यूजिंग है नामीबिया और इससे मिलते जुलते कई सारे नाम हैं अफ्रीकन कंट्री के, तो नामीबिया को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में, ये जो आपका काकंडू 2022 सैन्य अभ्यास था, इस अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, ठीक है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? तो यह हैती, हिमाचल प्रदेश की हैती और तमिलनाडु की नारी कोरावन और कुरु बिक्करन, कर्नाटक की बेट्टा कुरबा, छत्तीसगढ़ की बिंझी और उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को शामिल किया गया है? गोंड जनजाति को। आगे देखते हैं, हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास है। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन अ बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म क्या है? अग्रेनेटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? गुलाम अली को नामित किया गया है। सितंबर 2022 में कहां पर दो दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? राजस्थान के कोटा में। हाल में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? नाम याद रखिएगा पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की 12 फुट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया है? राजस्थान के जोधपुर में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? हरियाणा के पंचकुला में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई ने। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड, प्री प्राइमरी स्तर पर। आगे चलते हैं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक दी गई है? तो 87वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय नौसेना
कि वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया, पर्वत प्रहार, वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 से किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, मुकुल रोहतगी को किया गया है सितंबर 2022 में। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मुकुल रोहतगी जो हैं अटॉर्नी जनरल नियुक्त नहीं हुए, इनकी जगह पे कोई दूसरे नियुक्त हुए हैं, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मुकुल रोहतगी जो है नए अटॉर्नी जनरल नहीं है, बल्कि इनकी जगह इनको ऑफर किया गया था, इन्होंने यह पद ग्रहण करने से मना कर दिया था। तो आर वेंकट रमणी, इन्हें अक्टूबर 2022 में जो है नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। कौन है? आर वेंकट रमणी, मुकुल रोहतगी को मत याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 8462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है? तो अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? गुजरात के लोथल में यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह रहा है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है, अग्निकुल कॉस्मॉस ने सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट STS ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, हुजोश कम्युनिकेशन ने। यह कम्युनिकेशन इंडिया US आधारित हुजोश कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? कीबुथू सैन्य गैरिशन का। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? BSF के द्वारा तैयार किया गया है। आगे चलते हैं, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने लॉन्च की है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल के दिनों में चर्चित रहा गोंगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया? भारत और चीन की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग। मध्य प्रदेश के जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है ग्वालियर को। UAE की वह प्रमुख संस्था स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बुर्जिल होल्डिंग ने सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? बांग्लादेश के बागेरहाट में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से संबंधित है। निक्षय 2.0 TB वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025 तक। सितंबर 2022 में जारी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेरेटर इसका इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलेरेटर। आगे चलते हैं, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया है? जापान के साथ। सितंबर 2022 में भारत ने किन 3 देशों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? मतलब भारत किन 3 देश शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना का वारंगल है और केरल के 2 हैं, तेलंगाना का वारंगल और केरल का त्रिशूर और नीलांबर हैं। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृहमंत्री बनाया गया है, श्वेला ब्रेवरमैन को। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, दासपारा गांव। कहां पे है? त्रिपुरा में है दासपारा गांव। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है रोशनी।
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने इसे विकसित किया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? नई दिल्ली में है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? स्कूली शिक्षा से। 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। कहां पे? कर्नाटक में। ये दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है। हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मान्यता से सम्मानित किया गया? नेपाल के द्वारा। 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना का। हाल ही में किस देश की क्वाड SOM सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई? किस देश को सौंपी गई? भारत को सौंपी गई है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सीनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? CERTIN के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली है? केरल में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहां पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। सॉरी, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क कार्यक्रम की। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? इसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन दो जिलों का गठन किया की घोषणा की है? शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को आनंदावती किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? साबरमती नदी पर स्थित है यह आकर्षक। इसकी विशेषता क्या है? आकर्षक डिजाइन और एलईडी लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। इंदौर के पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम सामान की डिलीवरी की जाती है। ये देश का पहला और दुनिया का दूसरा है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया है? INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सिडक्शन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। छाता का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हर्नेशिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशली फ्रॉम टेरेसेस टू एक्वीफायर। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की है? दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की? लद्दाख के हौनले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? मुंबई में। आगे चलते हैं। हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? मणिपुर में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका से पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश ने। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के
दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया दूनागिरी का। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है AR रहमान के नाम पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल क्या कर दिया कर्ता बेपत कर दिया है। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? उत्तर प्रदेश की दीप सुप्रियम ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश के नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? पराग्वे के अशुनशियन में। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। आगे चलते हैं, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश के साथ में पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर और कौनिया के बीच एक मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। कौन बनी है? एयर एशिया बनी है। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? उत्तर प्रदेश में 3,711 मामले। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में शारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? चेन्नई में किया। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड ने शुरू की है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां पर निर्माणाधीन है? तो पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? पश्चिम बंगाल पर। NGT ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहले किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई स्टार्टअप दिगंतारा नाम से। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर तीसरे? देश के सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में कहा उदाहरण किया गया 411 मीटर है बिहार के गया में। अगला है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित किया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप शेलियोस टेक्नो लैब द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरोष है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? गुजरात के भुज में। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स नाम से। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? केरल में। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटोवायरस ओरल टीके रोटाबैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? नाइजीरिया के। हाल ही में किस RTI के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? IIT गुवाहाटी ने। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में किया गया पिनाका का। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी
स्क्वाड्रन सम्मुक्त करने की घोषणा की 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? इसका नाम है वरुण। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया? श्रीलंका को। भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन को आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? इनकोबैक। अगर 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशालाओं को यूनेस्को की पहल की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार की। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार में। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिकियों मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक डूडल बनाया है? अन्ना मड़ी के। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र नाम से। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को शामिल नामित किया गया है? गरबा को, गुजरात गरबा को। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है? डॉक्टर सुंदरचार्य को। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? एशियाई विकास बैंक से। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता जिसकी है 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है? पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? नई दिल्ली में। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना सो का आयोजन 2023 में कहां प्रस्तावित है? कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? पंजाब के मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूकता करने के लिए 1-7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? स्टेट अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। 15 अगस्त 2022 को या 22 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किए गए? 75। सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तमिलनाडु 14 हैं। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया? 10 शहरों के लिए। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना घोषणा की गई है? खंडवा में। कहां पर? खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य सशक्त अनुसंधान है। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस या मसाला गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। यहां लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियां हैं। 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जस्टिस उदय रमेश ललित ने 49वें। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयरक्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा है? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर में। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष S. सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया? यानम। इसका नाम क्या है? यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 5-6 अगस्त 2022 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, मिंजर मेला कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला। मिंजर मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को कहते हैं। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है मंकी पॉक्स के। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य पी के पॉल को बनाया गया है। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? ओमान के साथ। अल नजाह कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गनहिल का नाम दिया गया है? पॉइंट 5140 पहाड़ी को, 5140 पहाड़ी को। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में। हाल ही में कहां पर चाबहार ईरान स्थित एक बंदरगाह है दिवस सम्मेलन, चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? कुल 7 नए जिलों की गठन घोषणा की। अब कुल वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो जाती है। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर टू कोलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन नर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं जयंती को। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित हुआ हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, पिंच ब्लैक 2022। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? समर्पित किया 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की घोषणा की है या शुरुआत की है? राजस्थान के सांचौर में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? असम ने। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, मंडला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है? सुपर वास्की का। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? निदान की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया है? दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुशियारा नदी को। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज उदाहरण किया गया है? INS कर्ण में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ सार्वजनिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है? मिस्र ने जारी किया है। आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त में राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया, इसका नाम क्या है? एक सेकेंड, इसे 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है अनंगताल झील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक
अशोक स्तंभ का अनावरण किया निर्माणाधीन नई संसद की छत पर। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? 2023 तक। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? बसाव, राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी को। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 6-7 जुलाई 2022 को। कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 को आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? CBSE बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल को। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहिद कपूर को। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल AS स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला राज्य है? राजस्थान है। 2400 करोड़ रुपये की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े दो स्थल जिन्हें 2 जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, ये दो स्थल हैं। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम सिजला मंदिर का उद्घाटन किया है? पुणे के देहू में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 37वीं। 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी में। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में, गुजरात के सूरत में। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-2019 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन लाइफ नामक वैश्विक पहल की, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। जग्गी वास्तव 5 जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचक 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है? 180वीं रही है। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देशों में चीन की 160वीं, श्रीलंका 132वीं, पाकिस्तान की 76वीं स्थान पर। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 135वीं। कितनी प्रदान की गई है? 135वीं। इसका स्कोर है 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति फ्रेमवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर? 3रे पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्रशासित प्रदेश बना है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं? महाराष्ट्र के हैं। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में शामिल है गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर
प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उदाहरण किया गया आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद हाल ही में कहां पर भारत में ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान के जयपुर में। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए चार दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया था, खेल की पीटी ऊषा, संगीत की इलैयाराज, फिल्म पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर्स एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर केंद्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्षा संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उदाहरण किया है? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। हाल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के देवस्थल में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी बाजरा पर आयोजित द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? 540 प्रजातियों को। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? असम में। वह भारतीय ने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? टी राजा कुमार ने। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंच 2022 का आयोजन किया? राजस्थान के जोधपुर में। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोश का संबंध किससे रहा है? रेलवे सुरक्षा बल से। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा के मयूरभंज सुपर फूड को दिया गया है। यह उड़ीसा से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामाजिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कागेर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर में है के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण संबंधित है कोविड टीकाकरण से। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित। किससे? कर्नाटक से। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह पर भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। कोरू के फ्रेंच गुआना, कोरू आपका अफ्रीकन कंट्री है, कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? जीसेट 24 का किया गया। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास के विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन होने का अनुमान है 2035 तक। हाल ही में किसे
डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है। तो किसे दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश, बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। अगला है, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका क्या है? इसका नाम है एनकोवैक्स। एनकोवैक्स से हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। नाम याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 तारीख याद रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है, तो राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को, जून 2022 में। दिनकर गुप्ता, वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है, केरल ने। मेडिसेप। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? केरल के कायमकुलम कह सकते हैं। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिल खंडेला में। ठीक है, राजस्थान के सीकर के रोहिल खंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया, पुनीत सागर अभियान। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कल्लोल गुजरात में किया है। अगला है, 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बांग्लादेश को। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवामुक्त किया गया है? INS गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क का। यह उत्तर भारत का पहला है। 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में। 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर गुजरात में। ध्यान रखिएगा, परम अनंत को कहां स्थापित किया गया है या कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के लिए जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS निशंक को। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S. सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्षयान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB में। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है? भारतीय रेलवे को। 29 जून से लेकर 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया है? रिम ऑफ द पैसिफिक में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? ब्लू ड्यूक को सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है? ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई है? तो NTPC रामगुंडम तेलंगाना में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी रैंक कितनी है? 14वीं है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? DJ पांडियन को। हाल ही में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में
फॉसिल्स पार्क एंड ऑडिटोरियम का उदाहरण किया है साहिबगंज पार्क, साहिबगंज जिले में। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की है? 1 जुलाई 2022 से। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित एचएसएनसी यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की उपाधि या मानद उपाधि प्रदान की गई है रतन टाटा को। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, के अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना घोषणा की गई है? अग्निपथ नामक योजना की। अग्निपथ और इसके तहत जो भर्ती होगी उन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। लंदन स्थित क्वारेरी द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1422 संस्थानों या विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? 41 संस्थान। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं। IISc बेंगलुरु 155वें नंबर पर है जो कि सर्वोच्च भारतीय संस्थान है, और IIT मुंबई 172वें नंबर पर है, और IIT दिल्ली 144वें नंबर पर है, 144वें पे शामिल है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे रैंकिंग थोड़ी गड़बड़ है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पम्बन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाई गुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले मैत्री चली है, बंधन चली है, और ये तीसरी मिताली है। ध्यान रखेंगे मैत्री, बंधन, मिताली क्या है? एक्सप्रेस हैं जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई हैं। 29 जून 2022 को ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया है? अभ्यास। इसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान है। ठीक है, जहाँ पर यूरेनियम खनन होता है झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान दिया गया है? केरल को। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV-C53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? सिंगापुर का। ड्रोन स्टार्टअप गरुण एयरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? मलेशिया में। 16 जून 2022 को कहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांव कुनारिया, मोटागुआ, मशका और बड़सर में। एक गांव कम है। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। यह पंचायत 1111 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है, तो इसका नाम क्या है? बालिका पंचायत। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात के गांधीनगर में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? खुशी पटेल ने, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 150वीं रैंक। कौन सी रैंक? 150वीं रैंक प्रदान की गई है। जो भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मुंबई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियां का बाड़ा रेल स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया? राजस्थान में। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है?
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर का। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में, मिड डे मील के साथ। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना है? तमिलनाडु। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना परियोजना शुरू की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ बिरधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान का। क्या नाम है? रामगढ़ बिरधारी टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? राजस्थान में। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है या भारत को रैंक दी गई है? 150वीं। कौन सी रैंक है? 150वीं रैंक है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ओडिशा में, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 2% हो गई है। कितनी हो गई है? 2% हो गई है, 2.2 से घट करके। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है? देव सहायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? यह मेघालय का है। ध्यान रखिएगा, पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर गांधीनगर में। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? अप्रैल 2022 में राजस्थान बना है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस SAANS अभियान शुरू किया है? कर्नाटक ने। ठीक है, किसने शुरू किया है अप्रैल 2022 में? कर्नाटक ने शुरू किया है। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऊर्जा प्रवाह नाम है इसका। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? पल्ली गाँव है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी है। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड की सह अध्यक्ष घोषित किया गया? अश्विनी यार्डी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा जिला। जामताड़ा काफ़ी फेमस रहा है, इस पर वेब सीरीज भी आ चुकी है। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय क्या था? इसका विषय था टेरा नोवा इम्पेरिल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? INS बलशूरा। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट टेंडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने दी है।
माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के अटल सुरंग को। आयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये असम के जोरहाट पंप स्टेशन में। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडा बेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में। हाल ही में किसने भारत की पहली उच्च प्रवाह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? HCI ने। इस प्रकार राष्ट्रीय करंट अफेयर समाप्त होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को यहाँ पर चालू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। वह देश जहाँ हिजाब के विरुद्ध हाल ही में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की जान जा चुकी है, ईरान। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। इस वर्ष की थीम क्या थी? 2022 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों के संगठन की सदस्यता प्रदान किन दो देशों को संगठन किया राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई? गैबोन और टोगो को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है हम गलत दिशा में जा रहे हैं, शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त करने की मंजूरी दी है? सेफाली राजदान दुग्गल को। सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रमों को नाम दिया गया ऑपरेशन लंदन ब्रिज। नीदरलैंड का बाजार जो हाल ही में मास्क के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वह कौन है? कौन शहर है? हार्लेम। इस शहर ने मास्क की खपत को कम करने और इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मास्क के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। 15-16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय नंबर याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपको द्वितीय चतुर्थ कुछ भी दे सकता है। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे किस परमाणु संयंत्र की संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने निरीक्षण कर एटमी आपदा रोकने की अपील की है? जपोरिजिया परमाणु संयंत्र की। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है डांस ऑफ लाइट का। अमेरिका स्थित वह स्थान जहां 1 सितंबर 2022 को 53 डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट में वह 127 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान दर्ज किया गया जो पृथ्वी पर सितंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान है। कहां पर किया गया? डेथ वैली अमेरिका में इसको मेजर किया गया है। नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी कारण 2 बार 29 अगस्त और 30 सितंबर को टाल दिया गया? ईंधन लीकेज की वजह से। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? ईरान का है ये खयाम। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को। इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। सितंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने समूचे अफ्रीका में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए टीका विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एशियो संघई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? नेपाल को। हाल के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंग स्टोन संबंधित है। यूरोप में सैकड़ों वर्षों बाद पड़े भयानक सूखे कारण नदियों के गिरते जल स्तर
के बाद दिखने वाले पत्थर से, इससे संबंधित है हंग स्टोन। 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कब मनाया गया 8 सितंबर को। थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में किस देश में स्थित शुकुराजमा ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के बाद उस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया? जापान के क्यूशू द्वीप में। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के दो रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए? स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज किए? ब्लैक विडो नाम के। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5-7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? इटली के मिलान शहर में। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया? चिली में। हाल ही में कौन सा देश कोरोना का निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? चीन है। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अस्टिया के बोलकर तुर्क को। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? कंबोडिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या? द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन दो देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन को। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर धनुरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने धनुरी को लॉन्च किया है? चंद्र ऑर्बिटर दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14-21 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया गया? जॉर्जिया के कुटेशी में। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। कनाडा में 20-26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव एक्सेसिबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किसे केन्या का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? विलियम रूटो को। किसको किया गया? विलियम रूटो को। 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी? सिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही महामारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघर में से एक जिसको 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया ब्रिटेन के ब्रिस्टल जू को। 29 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी? पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया है? ईरान की। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? ग्रीस ने। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया दक्षिण कोरिया 0.081। भारत में वर्तमान में कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0 है, जबकि दक्षिण कोरिया में 0.81 है, 1 से भी कम है। तो 6 सितंबर 2022 को किसने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है? लिज ट्रस ने। 22 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? उल्ची फ्रीडम शील्ड का नाम से। 14-21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटेशी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी? इंटरनेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस वर्ष की थीम थी? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की इस वर्ष की थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम क्या थी? बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है।
22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में रूस ने किस देश में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया है? हंगरी में। भारत का वह पड़ोसी देश जहाँ अगस्त 2022 में आई भयानक बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग विस्थापित होने के साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था को $10 अरब से अधिक नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को सोवियत संघ के वह आखिरी राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, मिखाइल गोरबाचोव। हाल ही में होम्योपैथी को के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। ठीक है, दुबई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूजो रोज किस देश में खोजा गया? अंगोला में। 34 ग्राम वजनी इस हीरे को पिछले 300 वर्षों में खोजा गया। सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। तो ध्यान रखिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई को। आगे चलते हैं। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसके अध्यक्षता किसने की है? चीन ने। ठीक है, थीम क्या थी? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को। थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व महासागर दिवस, कब मनाया गया? 8 जून को। थीम क्या थी? रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 17 जून 2022 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? फुजियाना नाम से, फुजियान नाम का है। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम क्या थी? चौराहे पर संगीत। 21 अगस्त को मनाया गया म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, वह देश जहां स्थित खूब विशगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, कहां का है? मंगोलिया का। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए? 420 मिलियन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? स्पेन के मैड्रिड में। ठीक है, कहां पर? स्पेन के मैड्रिड में। आगे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरोबियन मैग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु खोज की है? इसका नाम है थियोमार गरीटा मैग्नीफिका। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर ने। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है ऑस्ट्रिया के वियना को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? दक्षिण कोरिया ने। किसने नूरी का सफल परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स समारोह में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का समारोह हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? रूस में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर मनाया गया विश्व तंबाकू, कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस
30 मई को। इस वर्ष की थीम थी टोबैको इज ए किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र लॉन्च करने की घोषणा की है? द विंची। इसका नाम है द विंची डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। द विंची शुक्र ग्रह का क्या करेगा? परीक्षण करेगा। आगे चलते हैं। यह मिशन 2029 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया की धरती से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन 6.15 किलोमीटर का है 25 जून 2022 को किया गया बांग्लादेश। 27 जून 2022 को अंतरिक्ष ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका नाम है रॉकेट जुलजाना। जुलजाना ईरान का है। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई? G7 की बैठक में। 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाती में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सतीश पाई को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? एल ब्राउन पीवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन थे? केन्या और पुर्तगाल थे। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हारमोनी विद नेचर। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन कर रहा है या मेजबान देश स्वीडन रहा है। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर को। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता तथा 1 सेकंड में क्विंटिलियन कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़ का सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि अर्जित की है। किसने? फ्रंटियर ने। किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र ने 2022 इंस्क्रिप्शन नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? हरिनी लोगन ने। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैनिक अभ्यास को किया गया है? बाल्टोपस नाम से नाटो द्वारा। हंगरी के किस राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हंगरी के राजनयिक कसाबा कोरोशी को। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक कहां पर आयोजित की गई? जापान के टोक्यो में। वर्ष 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? इसका नाम है शुंतियान नाम से। आगे देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? सैजिटेरियस। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान और ब्रिटेन से मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत की है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। इसमें भारत नहीं है। स्काई कोविन किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? दक्षिण कोरिया है। स्काई कोविन दक्षिण कोरिया की। चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इथियोपिया के आदिस अबाबा में। जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में के रूप में चुना गया? लंदन। 30 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? 30 जून को। इस वर्ष की थीम क्या थी? स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल थी। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है?
2030 तक जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली या जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? लंदन स्थित रिचमंड में केव बोटानिकल गार्डन में। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, इनका नाम क्या है? कमल बाबा। वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा इस सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है, चेक गणराज्य में मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। 14 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 14 मई को। का थीम क्या थी? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का प्रकाश प्रदूषण लाइट पॉल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? डिजिटल घेरेबंदी के तहत पत्रकारिता, घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे किस वर्ष की थीम क्या थी? सुरक्षा के लिए एकजुट हो अपने हाथ साफ रखें या अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर एक पर रहा है। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे का इस वर्ष का मुख्य विषय था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। वर्ष 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसेमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? वी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम क्या थी? नर्स अ वॉयस टू लीड, इन्वेस्ट इन ए नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस का इस वर्ष की थीम क्या थी? द आर्गन ट्री लचीलेपन का प्रतीक है। ठीक है, क्या है? द आर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, पहला एशियाई देश जो कि नाटो साइबर रक्षा समूह का में शामिल हुआ है वो है दक्षिण कोरिया। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बना है नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस को इस वर्ष की विषय क्या था? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले पर्वतारोही को उन्हें नेपाल के कामी रेता शेरपा। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? मुंबई और हैदराबाद को। 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को मनाया गया के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? गुआडा लाजारा मैक्सिको। ठीक है, इसको घोषित किया गया है। 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में। इससे पहले भारत में हुआ था। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीके की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? कंबोडिया को। 12 अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पीरियस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। का विषय क्या था? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर
भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? रीड सो यू नेवर फील लो, रीड सो यू नेवर फील लो। आर्थिकी, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाते हैं, अब आर्थिक घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा सितंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, जिसने 40,361 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं या आकर्षित किए हैं। पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बना है। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड है। अब बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक साथ होगा जिन्होंने खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है। सितंबर 2022 में 5,00,000 करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंकों के मार्केट कैप को शामिल करने के बाद SBI, HDFC और ICICI बैंक के बाद देश के तीसरी सर्वाधिक मार्केट कैप वाली बैंक है। बैंक है कौन सी? HDFC, ICICI बैंक, SBI, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में मुनोत इंडस्ट्रीज कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी? तिरुपति के आंध्र प्रदेश में। लगभग 20 बिलियन डॉलर के नगद और स्टॉक सौदे में एडोब ने हाल ही में किस सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण किया है जिसका नाम है फिग्मा? सितंबर 2022 में जारी कंतार ब्रॉडजेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? IIT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको शॉर्ट में TCS कहते हैं। इस सूची में जहां टाटा कंसल्टेंसी 45.5 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पर है, वहीं HDFC बैंक जो है 32.7 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नीति आयोग ने? मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस प्लांट के निर्माण के लिए पहली बार निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है? हाई स्पीड व्हील प्लांट ने। हाल ही में भारत ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? टुकड़ा चावल पर। हाल ही में किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो भुगतान कार्ड सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? MN भंडारी को। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT निफ्ट खादी नगर गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया है? अहेली खादी। सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थता कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। आगे बात करते हैं, 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की जगह कितने दिन करने का निर्देश दिया है? 30 दिन का करने का निर्देश दिया है। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? HDFC बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत अमेरिका संबंध को बढ़ावा देने में योगदान के लिए 7 सितंबर 2022 को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया है? गौतम अडाणी को। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। स्टार्टअप सेतु। सितंबर 2022 में RBI ने किन दो सहकारी बैंकों पर गैर अनुपालन हेतु 15,15,00,000 की जुर्माना लगाया है? कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक बेंगलुरु और भारत सहकारी बैंक लिमिटेड ठाणे को। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। इस नाम से ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने, ठीक है। इस बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक रैनबो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें उच्च बचत दर और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं सहित कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी में 79.4% हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदी है? सेंस हॉक इंक में। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है?
फ्यूल फिलअप एनर्जी के द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KFW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने 711 करोड़ का। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा किया गया? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम के कृषि संगठन का शुभारंभ किया है? ग्रामीण कृषि संगठन का 2021 से 2022। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा किसे देश निदेशक कंट्री डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया या नियुक्त किया गया? अगस्टे टैनो कोमे को। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियस इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? सावित्री जिंदल को घोषित किया गया है। अगस्त 2022 में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेजॉन इंडिया ने। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया है? जीवन बीमा निगम को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अगस्त 2022 को केंद्रीय बैंक के रेपो दर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5.40% कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? आंध्र प्रदेश है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? गुजरात और कर्नाटक रहे हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $96.3 मिलियन का ऋण समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बना है झारखंड। भारत का वह औद्योगिक समूह जिसने हाल ही में नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी अडानी ग्रुप ने। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? एक्वा बाजार का। हाल ही में किस एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? 8 चुने गए। ये 8 शिल्प गांव कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का नैनी है, राजस्थान का आमेर है, गुजरात का वदाज है, उत्तर प्रदेश का ताजगंज है, आंध्र प्रदेश का तिरुपति है, कर्नाटक का अनेगुड़ी है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम है और उड़ीसा का रघुराजपुर है। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नैनी और आमेर। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की हाल ही में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके। अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलेनियस इंडेक्स में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी कितने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के पहले तथा दुनिया के तीसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 137.4 अरब डॉलर के साथ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को। देश में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी ने मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो ने। अगस्त 2022 में कंतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? पार्ले। सितंबर 2022 में RBI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 13.5%। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? हरियाणा के पानीपत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर सबके लिए आवास मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई? 31 दिसंबर 2024 तक। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड बना है। भारत सरकार के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश का समझौता किया है? मलेशिया के साथ।
HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? कोझिकोड केरल में। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया है? बिंजिल आंटी याद रखिएगा। HDFC बैंक ने हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़ ने 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है? ग्वालियर में। 1 अगस्त 2022 में किस कंपनी ने केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गोदरेज एग्रो वेट ने। आगे चलते हैं, अगला है केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग के टीन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? आंध्र प्रदेश को। जुलाई 2022 में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 200,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है? 2046 तक। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में आधारभूत अवसंरचना थीम पर जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है उत्तराखंड के हरिद्वार को। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में 23 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की? 20%। ध्यान रखिएगा 20% 2023 से, अप्रैल 2023 से। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किन बैंकों को विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता करने की मंजूरी दी है? ICICI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा किस देश में आम उत्सव आयोजित किया गया है? बहरीन में। हाल ही मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? हरियाणा के मानेसर में। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है? कोटक महिंद्रा पर और इंडसइंड बैंक पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन था? अमेरिका। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश बन गया है? अमेरिका बन गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा हाल ही में जारी अपने तरह के पहले कृषि भूमि मूल्य सूचकांक में शामिल कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कृषि भूमि सबसे महंगी? कर्नाटक में। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में इट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? इंदौर। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? जन समर्थन पोर्टल नाम से। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु, गोवा और जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FISB में पुनरुत्थान कर इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भानु प्रताप शर्मा को। वह राज्य जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के समर्थन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? उड़ीसा को। जून 2022 में जारी कौंतार ब्रांडेज 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS है। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है? प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? वर्ष 2026 तक। जून 2022 में किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CREB लॉन्च किया है? क्वाइन स्विच ने। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है?
कृष्णा श्री निवासन को केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? एनजे ओझा को जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? गोवा के पणजी में 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? 27 जून को मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर एमएसएमईज को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। जून 2022 में किस संस्था ने इंडिया इज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस संस्था द्वारा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा। भारत के किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बन गया है ओमनी कार्ड। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार एसडीआर मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया? डॉलर का 43.38% हो गया और युआन का 12.28% हो गया। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष पर है? भारत। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? भारत। जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। माइक्रो रतन पीएसयू रेलटेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी? 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पर तक। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ओपन को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से शाही निर्माण इकाई का उदाहरण किया? वर्णिका नाम से। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र ने माझी वसुंधरा अभियान के लिए। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? अडानी बिल्मर लिमिटेड बन गई है। मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? अरविंद कृष्ण को। अमेरिका की बिल्टी इलेक्ट्रिक इंड द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहां पर आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? दिसंबर 2024 तक। अब पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। भारत की राधिका बत्रा अफगानिस्तान की जारा जोया युगांडा की बेनिशा नकाटे और यूरोपीय संघ की वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 के द्वारा। भारत की राधिका बत्रा इसमें शामिल हैं। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में हाल ही में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? लिखित वाईपी ने। सितंबर 2022 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुए 74वें एमी अवार्ड 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया है सक्सेशन को। जुलाई 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? उड़िया लेखक प्रतिभा रे को। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 समाहित किया गया एंजेला मर्केल को।
किस राज्य को हाल ही में वेस्ट माउंटेन विल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तमिलनाडु को, नीलगिरी और कानूर को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? भगवंत अनमोल को, भगवंत अनमोल को इनके उपन्यास प्रमेय के लिए। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 सम्मानित किया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति वालदिमीर जेलेंस्की को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया? असगर वजाहत को। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बराक ओबामा को। श्री मुर्गा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुर्गा सरनारू की नाबालिगों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले बशवश्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? पी साईनाथ ने। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया है? असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार डिवॉल आर एनजीएम डस्टन से सम्मानित किया है? लद्दाख ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड सम्मानित किया गया? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? ओडिशा को। मेघालय सरकार की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को, मेघा। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है? ट्राई एंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। इस वर्ष इस पुरस्कार समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं समारोह की 9 सदस्य जूरी में भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक द माउंटेन इज अ कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता है? KB रघुपति की पुस्तक है यह। वर्ष 2021 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए अबूधाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किए गए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी के 22वें फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह मूवी को। इसके निर्देशक विष्णुवर्धन रहे हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए को तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेस ने इसका हिंदी अर्थ होता है रेस समाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से 26 मई 2022 सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद है जिसकी अनुवादक डेजी रॉकवेल हैं। रेत समाधि या प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा या बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2022 में भारत के किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड सम्मानित किया? आशा कार्यकर्ताओं को। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड सम्मानित किया गया है? किशोर कुमार दास को बांग्लादेश के। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सिन्नी शेट्टी ने। महाराज जहाँ के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा जून 2022 में की गई राजस्थान ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस से संबंधित है? लोक प्रशासन से। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को। जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? HCL टेक्नोलॉजीज को। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणतज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? मैरीना बिया जोस्का को। गणित के नोबल के रूप में प्रसिद्ध यह पुरस्कार मैरीना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञों फ्रांस के हुगो डोमिनिल, अमेरिका के जून हुई तथा ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड को प्रदान किया गया है। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया है?
उत्तराखंड के द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को बेटर किवा अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। ब्रिटिश फेली ऑफ योगा को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 2021 का यह पुरस्कार दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों ब्राजील के मार्कस विनिसियस और लद्दाख के भिक्षु संघ सेना को प्रदान किया गया है। 2 जून 2022 को किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? आर जे उमर को। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल में से सम्मानित किया गया है? ये केन्या की हैं जो अन्ना कबाले डूबा हैं। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड सम्मानित किया गया है? सेशिल नद जेबेट को। फ्रांसीसी भाषा के मर्सोल्ट कॉन्ट्रे एन केवेटे उपन्यास के किस भाषा के में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया? बंगाली भाषा के अनुवाद किया गया। वे चार भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया, दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी सना, इरशाद मट्टू और अमित दवे। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? पीरामल समूह के अजय पीरामल को। 7 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? भूषण कुमार को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 सम्मानित किया है? डेविड एटनबरो को। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है? चारुदत्त मिश्रा। 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए गए? असमी साहित्यकार नीलमणि फुकन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजू को। अब खेल संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने जीता है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है बिनेश फोगाट। 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास घोषणा की है? रोजर फेडरर ने। 16 सितंबर 2022 को कौन भारत का 56वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? प्रणव आनंद, कर्नाटक के। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिच ने सितंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। वह राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा सिक्किम। सितंबर 2022 में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास घोषणा की है? सुरेश रैना ने। भारत में पहली बार माउंटेन बाइसिकल्स विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहां पर किया गया? लद्दाख के लेह में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है शावज। हाल ही में किस कंपनी ने बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रयोजन प्राधिकार प्राप्त किया? मास्टर कार्ड ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया? लुसाने म्यूजियम को। इस संग्रहालय में 120 वर्षों का समृद्ध संग्रह है जिसमें अभिनव बिंद्रा की वार राइफल भी शामिल है जिससे उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। संग्रहालय का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विरासत टीम द्वारा किया जाता है। हाल ही में T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन 129 मैचों में 3443 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत के रोहित शर्मा। हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में सराजेवो में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बनी है लिनथोई चन बम ने।
अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? उत्तराखंड ने। इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की गई है। हाल ही में पेरू की लीमा में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा 200 मीटर महिला वर्ग स्पर्धा में 2:18.18 का समय निकालकर 8वें स्थान पर रही हैं। सितंबर 2022 में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को। हाल ही में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है अंतिम पंघाल। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? कल्याण चौबे को। किसको? कल्याण चौबे को। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144 वर्षों के इतिहास में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलो शकाला। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? खेलों के लिए राष्ट्रीय एकता। 37वां कहाँ पे? वो गोवा में होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है? लॉन बॉल में। आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 जो कि पेरिस में होना है के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा पर 2 से 4 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उदाहरण किया है? नई दिल्ली में ONGC पैरा गेम्स कॉरपोरेट जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने की विशेष मानव संसाधन पहल है। अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप की BL 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी है पूजा ओझा, मध्य प्रदेश की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहां पर किया जाएगा? हंगरी में। पूर्व क्रिकेटर तथा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ड्रीम सेटगो ने। अगस्त 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? शेरू। अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीतने वाली पहले खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? लिसेस्टर का। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार ने सितारे इम्तियाज सम्मान सम्मानित किया? बाबर आजम को। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध UAE में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक कांस्य के रूप में पुरुष सिंगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी कौन रहे? सात्विक साई, राजरंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। आगे चलते हैं। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेकर दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? ब्रिटेन के जेम्स एंडरसन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अगस्त 2022 में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 10.25 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड बनाया है? अमलान बोर गोहेन ने। 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और महिला का खिताब जो है एलिना रेवाकिना ने। जुलाई 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे पाकिस्तान सम्मानित किया गया है? डैरन समी को। 2 से 5 जून 2022 के बीच बोलाट तुरली खानोन कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। महिलाओं के T20 चैलेंज कप 2022 जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2022 के बीच पुणे में किया गया, विजेता टीम कौन रही है? IPL सुपरनोवाज। IPL के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला? इंग्लैंड के राजस्थान रॉयल्स के जोश बटलर को।
IPL 2022 सीजन का फेयर प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? गुजरात टाइटंस व राजस्थान रॉयल को। 9 जुलाई 2022 को भारत द्वारा इंग्लैंड के एजबेस्टन में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित करने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? लगातार 14 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने का। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, विश्वनाथन आनंद का। 18 से 22 जून 2022 के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जहां जापान 27 पदकों का शीर्ष स्थान पर रहा है, भारतीय टीम कुल 23 पदकों 2 स्वर्ण 6 रजत 15 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष 5वें पर रहा है। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया की लिशा स्टेलकर को। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इंग्लैंड में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? इंग्लैंड ने। वह राज्य जिसने जून 2022 में पहली में भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश ने 5 जुलाई 2022 को इंग्लैंड में संपन्न 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैमबर्ग में जर्मन जूनियर ओपन स्क्वास चैंपियनशिप सुपर सीरीज का खिताब जीता है? दिल्ली के अनाहत सिंह ने। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? गुडप्पा विश्वनाथन की। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता है? मध्य प्रदेश ने। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? मोहम्मद जलूद, जो कि इराक के हैं। स्पेन के वह टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर 22 ग्रैंड स्लम खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जितने दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? राफेल नडाल 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल को पराजित कर खिताब जीता है? गुजरात टाइटंस ने। 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा नंबर 1 पर रहा है, ठीक है। 52 स्वर्ण 39 रजत 46 कांस्य पदक सहित कुल 137 पदक जीते हैं, 137। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? संयुक्त काले ने। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? पोलैंड हॉकी टीम ने। हाल ही में संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 से पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल शेन ने। 1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? दक्षिण कोरिया ने। मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता है? भारत ने। मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने किस देश को पराजित कर जीता है? चीन को पराजित करके। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को RCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? दक्षिण अफ्रीका के AB de Villiers को और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते हैं? बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी ने। अप्रैल 2022 में बिजनन अल्मनैक द्वारा जारी 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? मैक्स वेस्टार पेन को, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।